सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी प्यारे भाई बहनों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और यहाँ पे उपस्थित मेरे गुरुजी और यहाँ पे उपस्थित सज्जनों, आज बहुत ही आप लोगों को पता है आज का ये दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मेरा देश भारत अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर। दोस्तों, इस दुनिया में या कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, अपने आप को आजाद रहना चाहता है। न जाने मेरा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज के गुलामी के जंजीर में बांधा हुआ था, और इस तरह नहीं, बहुत सारे यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उस समय का जिंदगी और अभी का जिंदगी हम लोग को बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। ये आज़ादी हम लोग को इतना आसानी से नहीं मिल पाई, इसके लिए बहुत ही जंग छिड़ना पड़ा, बहुत ही लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसमें न जाने लाखों माता की गोदें पूरी हो गई, लाखों बहनों की मांग भूल गई, और लाखों वीर सपूत शहीद हो गए। अंततः मेरा देश भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, और उसी दिन से हम लोग 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते ही रहेंगे। दोस्तों, अभी भी हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। अभी भी आप देख रहे होंगे समाज में बहुत तरह की बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं लोग, समझे कि नहीं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, शिक्षा गरीबी अभी भी है, समझे कि नहीं। तो इस सब को हमको मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम लोग पूर्ण रूप से आजाद हो पाएंगे। आज़ादी तो हम लोग को मिल गई, हम लोग अभी लोकतंत्र में भी रह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग अभी पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए, उसके हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों शिक्षा की बहुत जरूरी है, आप लोगों को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप लोग भी अच्छा तरीके से स्टडी कीजिए, समझे कि जो आपका गोल है उस गोल को अचीव कीजिए, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, अपने परिवार का मजबूरी को समझे कि मेरा जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, किस तरह से कमाल हम लोग पढ़ा रहे हैं, उससे थोड़ा फोकस कीजिए, उससे मोटिवेशन लीजिए कि नहीं हमको भी लाइफ में कुछ करना है, ये तो अपना गोल कीजिए, लक्ष्य कीजिए, हमको ये प्राप्त करना है, उसमें सफल हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहीं से हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं दूसरा जगह जाकर पढ़े हुए हैं। यहाँ का एजुकेशन आपको बाद में मालूम चलेगा, जब आप लोग हायर एजुकेशन करने जाएंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि यार यहाँ पे क्या पढ़ाई होता है, उसका क्या वहाँ पे कितना यूज हो रहा है। तो ये जो दोस्तों आप लोग का ये बेस है, इस बेस को अच्छा तरीके से यूटिलाइज कीजिए, इस टाइम को अच्छा तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपने आप को सफल बनिए, समझे कि नहीं, यही कहेंगे। तो हम एक शहीद के लिए कुछ कहना भी चाहूँगा, जो अभी मेरे देश के लिए शहीद होते हैं, अभी भी मेरे जवान लोग बॉर्डर पे तैनात होकर बहुत सारे शहीद होते हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा, चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर ले, चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला उसे याद कर ले, जिस कश्ती में सवार होकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर, उन देशभक्तों के खून की वो अविरल धारा याद कर ले। दोस्तों, उसी दिन से हम लोग 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं और मनाते ही रहेंगे। ये कहना न होगा कि ये सरकारी औपचारिकता की तरह बना हुआ है, मुझे स्कूल कॉलेज एवं अन्य स्थानों पर पहरा देने से मेरे कर्तव्य की किसी सी नहीं हो जाती है। आवश्यकता तो इस बात की है कि भारत के एक एक नागरिक अपने मूल अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएंगे, उस दिन यह पर्व वहाँ पर्व का उदाहरण कर लेगा। कभी सुमित्रानंद पंत ने ठीक ही कहे हैं, भारत अब स्वाधीन हो चुका है, शेष अभी मानवता का रंग बहुरंजन गृह की रचना का नभ्य उसे सौजन्य मुहित प्रांगण। आज हमें देश की समृद्धि और एकता के भाव से सजग रहना चाहिए। कहा गया है, हिंद अच्छा होगा हिंदुस्तान अच्छा होगा, जब तक देश में अच्छा रहेगा सारा जहान अच्छा होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।